नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 में वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 8:38 तक रहेगी। आज 4 मई 2024 शनिवार का दिन है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है तथा इंद्र योग है एवं बवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार शाम 4:35 तक कुंभ राशि में, उसके बाद 4:36 से मीन राशि में रहेगा। आज राहु काल प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 तक रहेगा। आज यम घंटक योग दिन में 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। आज 4:35 तक दक्षिण व पश्चिम दिशा, फिर 4:36 से पश्चिम व उत्तर दिशा की यात्रा करना, कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी या वैद्य की सलाह के लिए आज प्रातः 10:30 से दोपहर 12:40 तक का समय, फिर शाम को 5:25 से शाम को 7:40 तक शुभ रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए शुभ समय सुबह 10:35 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। अब बात करते हैं 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव ला रहा है। आज आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। आज क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा किसी ऐसी स्थिति से बचें जिससे छोटे भाई बहन के साथ मतभेद या झगड़ा हो। विशेषकर संपत्ति विवाद से संबंधित किसी मीटिंग को आज अवॉइड करें। आज कफ कोल्ड की समस्या तथा नेत्र में कोई विकार हो सकता है। आज आप शिव मंदिर में अपने नाम से रुद्राभिषेक कराएं। वृष राशि वालों का आज का दिन पहले से बेहतर गुजरेगा। आज आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। बड़ी बहन का लंबे समय के बाद विदेश से आगमन हो सकता है। सोने चांदी के आभूषण, श्रृंगार, सजावट की वस्तुओं से संबंधित कार्यरत लोगों को आज अर्थ लाभ प्राप्त हो सकता है। आज आप सफ़ेद रंग का रुमाल कैरी करें। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन नई ऊर्जा व आत्मविश्वास को ला रहा है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को आज अकाउंट्स, सांख्यिकी, मैथ्स, कंपनी सेक्रेटरी से संबंधित हायर स्टडी के कोर्सों को करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज आपका हाजिर जवाब होना आपको किसी पार्टी या समारोह में आकर्षण का केंद्र बना सकता है। आज आप अपने किसी शौक या हॉबी जैसे बागवानी, धार्मिक पुस्तक पढ़ना को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ अशुभ दोनों प्रभाव ला रहा है। आज आपको अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करें इस पर कार्य करना चाहिए, साथ ही दिनचर्या को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। निराशा व तनाव के कारण किसी व्यसन को न अपनाएं तो अच्छा रहेगा। आज शाम 4:35 तक भूमि से संबंधित कोई लेन देन ना करें। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ फलों को ला रहा है। आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य आज बढ़िया रहेगा। किसी इंटरव्यू में सफलता के योग बनते हैं। राशि सूर्य ग्रह के उच्च राशि से संचार के कारण आपकी सामाजिक प्रसिद्धि बढ़ सकती है। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए आप भावुकता को अलग रखें तथा व्यवहारिकता को अपनाएं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन देखभाल से बिताने का दिन है। चंद्रमा के आपकी राशि से छठे घर से संचार के कारण आज आप लो फील कर सकते हैं। नौकरी को जारी रखें या ना करें, इस अनिर्णय में फंसे रह सकते हैं। नाक, कान, गले व वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आज आप परेशान रह सकते हैं। आज आपको कार्यस्थल पर जाने से पहले गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुनना या करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद व सुकून से भरा रहेगा। आज कई क्षेत्रों में शुभ सूचना मिल सकती है। विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई से संबंधित प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे होंगे। पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म, ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित कोर्स में विद्यार्थियों का आज एडमिशन हो सकता है। डायमंड, प्लेटिनियम तथा रत्न कारोबारियों को आज बेहतर अर्थ लाभ मिलने की संभावना बनती है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में हर्षोल्लास रहेगा। आज विदेश में कोई फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। माताजी द्वारा भी आपको कोई संपत्ति दी जा सकती है। साथ ही माताजी के साथ किसी तीर्थ स्थल पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आज कोई बड़ा सामाजिक दायित्व भी आपको दिया जा सकता है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन पहले से बेहतर पलों को ला रहा है। आज आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज मन में प्रसन्नता व उमंग रहेगी। जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज छोटी बहन की किसी आईटी या सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनी में जॉब लग सकती है। ज्योतिष, अंक विद्या, टैरो कार्ड तथा वास्तु जैसी विद्याओं को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपकी वाणी में जोश व ओज बना रहेगा। आज कई स्रोतों से धन प्राप्ति हो सकती है। ऑयल, स्टील व माइन से संबंधित कंपनियों के शेयर खरीदने का उचित अवसर है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बीमा तथा बैंकिंग से जुड़े कारोबारियों को अर्थ लाभ होने की संभावना बनती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ही रहेगा। आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। देर से सोने की समस्या से आपको छुटकारा पाना चाहिए। साढ़े सती के प्रभाव से आपको कार्यस्थल व पारिवारिक संबंधों में कठिनाई आ सकती है। कोई मित्र दुश्मन की तरह व्यवहार कर सकता है। आज दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम व मेडिटेशन से करें। आज स्ट्रीट डॉग को भोजन जरूर खिलाएं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन समझदारी व जागरूकता से बिताने का दिन है। राशि में नीचस्थ बुध की उपस्थिति से आप किसी भ्रम का शिकार हो सकते हैं। आज भावुकता में लिया गया कोई निर्णय गलत हो सकता है। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी से बात करते समय धैर्य तथा विवेक का इस्तेमाल करें तथा मतभेद न पैदा होने दें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का 5 माला का आपको आज जाप करना चाहिए। आज वरुथनी एकादशी व्रत है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। साथ ही वरुथनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत के दौरान चावल व अन्न का प्रयोग ना करें तथा फलाहार करें। आज तुलसी के पत्ते न तोड़ें। इस व्रत को रखने से व्यक्ति मानसिक, शारीरिक व आर्थिक दृष्टि से बेहतर रहता है तथा इस व्रत को करने से पितृ तृप्त रहते हैं, देवता प्रसन्न रहते हैं व मनुष्य का कल्याण होता है। बुजुर्गों व बीमार व्यक्तियों को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।